आज विश्व हिंदू महासंघ महासागर के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में एकत्रित होकर नववर्ष का विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदी महासंघ के महासागर अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने युवाओं को फूल देकर सूचित किया कि 31 दिसंबर हमारा नववर्ष नहीं है, ये तो एक पश्चिमी सभ्यता है। हमारी सभ्यता के हिसाब से नववर्ष चैत्र शुक्ल के नवरात्रि के पहले दिन पड़ता है। 1 जनवरी पश्चिमी सभ्यता की पहचान है, हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। 31 दिसंबर को एक कैलेंडर के रूप में मना सकते हैं, लेकिन नववर्ष चैत्र शुक्ल में ही पड़ता है। हमें पश्चिमी सभ्यता की तरफ नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी सभ्यता को अपना कर उसको आगे बढ़ाना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को अपनी सभ्यता से अवगत करना चाहिए। नववर्ष मनाने के नाम पर कुछ लोग अश्लीलता फैलाते हैं, शराब पीकर होटलों में फूडपन फैलाते हैं, इसका विश्व हिंदू महासंघ पुरजोर विरोध करता है। प्रतिवादी तरीके से प्रदर्शन है, सभी युवाओं को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि ये जो नववर्ष आप मनाते हैं, नववर्ष नहीं है, कैलेंडर वर्ष है। और इसमें जो लोग पहले से ये प्रोग्राम अपना बनाते हैं कि हम रात को दारू पिएंगे, अश्लीलता करेंगे और इस तरीके की दुर्घटनाएं करेंगे, उससे हमारे समाज पर बहुत फर्क पड़ रहा है, हमारी संस्कृति इससे दूषित हो रही है। क्योंकि जब रात को वहां से निकलते होटलों से, तो आपने देखा होगा कि कोई एक्सीडेंट में कहीं गिर गया, क्योंकि इतनी पी लेती है कि उसके बाद पता नहीं चलता कि हमारे घर पे माँ बाप भी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस संस्कृति को अपनाएं, जो भारतीय संस्कृति है, माता पिता के पैर छू करके मंदिरों में दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करें। और जो हमारा नववर्ष है वो चैत्र प्रतिपदा शुक्ल से शुरू होता है, जो नवदुर्गा हम मनाते हैं, नवदुर्गा स्थापना के दिन शुरुआत होता है, उसी को। ठीक, आज हम विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले हमारे पूरा जो महानगर की कार्यकारिणी है, वो जो अपने आज नई युवा पीढ़ी है पश्चिमी संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रही है, और अंग्रेजी हुकूमत पिछले 70 साल से जा चुका है और उनके माइंड में आज भी हैवानियत बनके उनके सिर पे नाच रही है, वो लोग नववर्ष कैलेंडर वर्ष को नववर्ष बना के बना रहे हैं। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल नवरात्रों पे स्टार्ट होता है, जो कि 18 मार्च को स्टार्ट होगा। ये लोगों को हम ये देना चाह रहे हैं, इनको ये अग्रसर करना चाह रहे हैं कि हमारा जो नववर्ष है वो 18 मार्च को बने, और जो आप आज का जो 31 दिसंबर मनाते हैं रात को, वो एक कैलेंडर वर्ष है। उस कैलेंडर वर्ष में भी जो हमारे भारतीय संस्कृति को ये छोड़ते जा रहे हैं, उस संस्कृति को अपनाने के लिए हम उनको उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि अपने माता पिताओं की सेवा करें, उनका चरण स्पर्श करें और थोड़ी पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन भी करें, जो आज से 20-15 साल पहले हमारे बुजुर्ग करा करते थे। भारतीय संस्कृति को पूरा संसार अपना रहा और भारत देश हम लोग उस पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, जो वो लोग छोड़ चुके हैं। इसलिए मैं सभी युवा पीढ़ी को ये कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति को अपनाएं और अपने परिवार को खुशहाल करें। रिपोर्टर बज्रेश कुमार, आगरा, आपका न्यूज़।